अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राजनांद गांव शहर के होटल व्यवसायी विनोद लूला के 8 वर्षीय पुत्र नैतिक लूला का अपहरण करने वाले मासूम के पिता के होटल में काम करने वाले नौकर ही निकले। जी हां, राजनांद गांव पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर अपहरणकर्ता आरोपियों को दर दबोचा है। इस संबंध में सोमवार अल सुबह आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि नैतिक के अपहरण में जो आरोपी शामिल थे, वह नैतिक के पिता विनोद लूला के यहां वेटर के रूप में काम किया करते थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी द्वारा किस उद्देश्य से बच्चे का अपहरण किया गया है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारा पहला उद्देश्य बच्चे को सकुशल आरोपियों के चंगुल से बाहर निकालना था, जो समय पर पूरा हो गया। जानकारी अनुसार 2 बाइक सवार युवकों ने रविवार शाम बच्चे का अपहरण कर लिया था। वहीं घटना शाम 6:30 बजे के आसपास की थी। अपहरणकर्ताओं ने घर से 200 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया था। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त नैतिक मोहल्ले में साइकिल चला रहा था। उसी दौरान बाइक में 2 युवक पहुंचे और उन्होंने नैतिक को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी हैं, जिनका नाम अक्षय सहारे, चुन्नीलाल गावड़े और एक नाबालिग बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों का कहना है कि व्यवसायी उन्हें परेशान करता था, इसी बात का बदला लेने के लिए ही बालक का अपहरण किया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी के लिए शहर में नाकेबंदी कर दी थी। हर आने जाने वाले रास्ते पर सघन चेकिंग की गई। वहीं आसपास के इलाके में मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया था। वहीं पुलिस को जैसे ही आरोपियों के ठिकानों का पता चला, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और नैतिक को अपने कब्जे में लिया और आरोपियों को दर दबोचा। नैतिक के पापा विनोद लूला और मम्मी पायल लूला ने मीडिया से बातचीत पर कहा कि मैं राजनांद गांव पुलिस का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में मेरे बालक को सकुशल मुझे वापस लौटा दिया। मीडिया कर्मियों का भी मैं हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। बहरहाल बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप देने के बाद परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बाद है, पुलिस वालों का बहुत बड़ा साथ है हमारा, जो हमारा बच्चा हमको वापस मिल गया। किस समय ये गायब हो गया था? ये करीब 6:45 बजे करीब गायब हुआ था। पीछे वाली गली में साइकिल चला रहा था, 2 बंदे थे, एक आगे था एक पीछे था। एक सामने से बात कर रहा था, पीछे से उसने उठाया और गाड़ी में बैठाया और इसको लेके चले गए। तो सामने ही घर में एक लड़की ने देखा, उसने बताया कि आपके बच्चे को लेके गए हैं। फिर तुरंत ही हम लोग सबको बताया, कॉल किए पुलिस को। कितनी उम्र थी आपको? 10 साल की है बारवा, 10 साल का है। नहीं, कितनी उम्मीद थी आपको इतनी जल्दी? उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ चुके थे, पर बहुत खुशी हुई, सब लोगों ने बहुत जल्दी साथ दिया, मिल गया हमारा बच्चा। अपना नाम बताइए। पायल लुल्ला। सर, मैं पहले तो पूरे पुलिस प्रशासन को, साथ ही शहर के नागरिकों और मीडिया कर्मी को सबको पहले बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में आज मेरे बालक को मेरे को सौंपा है। मैं पहले पूरी पुलिस प्रशासन, उनकी टीम को, जो भी इस टीम में दिन रात मेहनत करके लोग किए हैं, उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आरोपियों में एक आपके यहाँ काम कर रहा है? जी सर, 5-7 साल से मेरे पास, अभी जो जानकारी मिली है, 5-7 साल से मेरे पास कंटिन्यू कैटरिंग में काम करता है। अभी भी पिछले हफ्ते ही मेरे से यहाँ से काम करके गया है। क्या वजह रही थी? अभी वो उससे मिलने के बाद पता पड़ा कि उसके मन में क्या है मेरे प्रति। कोई इससे कटिश नहीं, काम करता था, अपना पैसा डेली वेज में जो करते हैं वो अपना पैसा लेके जाते थे। सर, ये बड़ी कामयाबी है सर, काफ़ी कम समय में बच्चे। नहीं नहीं, कल शाम में राजनांदगांव जिले में यहाँ पे बच्चे के अपहरण की सूचना आई। उसके बाद यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और DIG हैं और यहाँ की समस्त टीम, इनके द्वारा बहुत मेहनत के साथ और अपने को जो भी क्लू मिले उसके पीछे लगातार इन्होंने काम किए, जिसके कारण से बहुत ही जल्द समय में, 24 घंटा से पहले ही हमने मतलब बच्चे को बरामद करने में सफलता हासिल हुई। और इसमें यहाँ के मीडिया के साथियों का, इनके पेरेंट्स का और पूरी टीम का, यहाँ के जो एडिशनल SP हैं, यहाँ के जो CSP हैं, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और विशेषकर जो रात भर से सभी लोग जग के इसके लिए काम किए, इसके कारण से ये सफलता हासिल हुई। और इसमें जितने भी अपराधी संलिप्त थे सभी को हमने पकड़ने में सफलता हासिल की है और उनके साथ अभी पूछताछ की जा रही है और इसमें और भी जो भी क्लू मिलेंगे उसके आधार पर और भी आगे काम करेंगे। और तो निश्चय ही बहुत बड़ी सफलता है और बच्चे को सकुशल बरामद करना ये सबसे बड़ी सफलता है। और ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी हमारे लिए यही था कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो और इसी के लिए लगातार हमने काम किया। और मैं इसके लिए राजनांदगांव पुलिस की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और
बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बड़ी चुनौती थी और चुनौती में बच्चे को सुरक्षित वापस करवा के अपराधी पकड़ाया गया। अभी अपराधी पकड़ाए, इसके बारे में डिटेल खुलासा, जैसे अभी अपराधियों के साथ जो हमारे पास अभी आए हैं, जिनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद फिर बता पाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ के क्षेत्र का रेकी किया, किस प्रकार से बच्चे को उठाया, कहाँ ले गए, कहाँ पे रखे थे, उनका मकसद क्या था। क्योंकि बच्चे जैसे ही बरामद हुए तत्काल उनके पेरेंट्स को सौंपा गया है, इसलिए पूरी डिटेल अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। सर, ये गैंगवार था कि वो थे सर, कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, जैसे मैंने बताया है कि जो अपराधी अपने पास अभी हैं उनसे विस्तृत पूछताछ नहीं हुई है, जिसके कारण से अभी हम बता नहीं सकते हैं कि ये जो अपहरण हुआ है उसके पीछे उनका मकसद क्या था, उनके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनसे पूछताछ करें। और जो अभी जो प्रीलिमिनरी, जो प्रारंभिक रूप से जो हमें पता चला है कि जो अपराधी, उसमें से कोई अपराधी पहले इनके यहाँ काम करते थे और काम करने की वजह से इनके परिवार से परिचित थे, इनके परिवार में कौन कहाँ क्या रह करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की गतिविधि क्या है, इसके बारे में परिचित थे, जिसके कारण से उन्होंने रेकी किया होगा। और उनका जो भी मकसद रहा होगा वो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि मकसद क्या था। परंतु इसमें जो एक अपराधी है, निश्चय ही वो परिवार से पहले से परिचित और इनके यहाँ केटरिंग में काम करता था। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।